sick of them. They all were angels in their own style. वो अपने ढंग के जो नहीं है इस दुनिया में, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मेल सिंगर, आपने मेल्स की बात की तो एक तरफ रफ़ी साहब, माय गॉड, ग्रेट कंपैशन एंड हाइट ऑफ सिंप्लिसिटी, स्पिरिचुअल एंड हम्बल. So versatile and great human being. तो हम बात करें किशोरदा की. वो जहाँ बैठ जाते थे ऐसा लगता था कि अब सुबह हुई है. उन्होंने इतना प्यार किया संगीत को, कला को, कितने वो मतलब एक एक सिंगिंग स्टार थे. आज तक ये कहना ही मुश्किल है कि वो ग्रेट एक्टर थे या ग्रेट सिंगर थे. उनको एज ए आप एक्टर देखो तो अनबिलीवेबल. आप पड़ोसन देखो या उनकी पुरानी ब्लैक एंड वाइट्स देखो, हाफ टिकट देखो. मैं तो जब वो सब देखती हूँ तो आज भी मुझे लगता है कि पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि सारा अटेंशन वही ऑडियंस उन्हीं पर टिकी रहती थी, उनकी नजरें, चाहे कितनी भी बड़ी हीरोइन हो. सारी मैंने उनके साथ अनकाउंटेबल प्रोग्राम्स किए, गाए. रफ़ी साहब के साथ तो मेरी जिंदगी का पहला प्रोग्राम स्टेज बॉम्बे में वॉज रोशन नाइट, जो वादा किया, एंड इट वॉज मे बी समवेयर 67 और समथिंग, या 67 और 68 बिगनिंग, नहीं 67 ही होगा शायद. तो उनकी जिंदगी का आखिरी शो हुआ कैनेडा और अमेरिका में. ये ट्रिप उन्होंने, हम सब ने वहाँ पर किया, 12 शो किए थे, 8 यूएसए में और 4 कनाडा में. जैसे रूटीन हमेशा जब भी जाते हैं ऐसा ही होता है. वहाँ से वापस आए और जुलाई को वो नहीं रहे. तो मतलब मेरे करियर का पहला प्रोग्राम और उनकी जिंदगी का आखिरी स्टेज. तब तक मैं उनके साथ बनी रही स्टेज पे, क्या और वैसे रिकॉर्डिंग्स वगैरह के. किशोर दास और मुकेश जी, माय गॉड, ही वाज ऑसम. जितनी मस्ती, जितना हंसाना है, लेकिन जब गाते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे. जब कहते थे दोस्त दोस्त ना रहा. और मेरे करियर का पहला रिकॉर्ड जो बाहर आया, दैट वॉज ले चल मेरे जीवन साथी, ज़रूर सुनाइएगा मेरी ऑडियंस को, क्योंकि मैं उसमें 14 साल की हूँ. जितेंद्र जी थे, अपर्णा सेन थी हीरोइन. और तो वो लोग ऐसा नहीं लग, आप सोचते तो ऐसा मुझे लगता है कि वो इस दुनिया के नहीं थे, वो किसी और दुनिया के लोग थे. सिंगर को कैसा होना चाहिए, उसको कैसा इंसान होना चाहिए, उनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए. इवन यशोदास जी, जिनके साथ तू जो मेरे सुर में, जब दीप जले आना, काफी गाने हैं, कमाल के हैं.